जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट वकार अंसारी। दोस्तों, मंथली एफलाइन क्विजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आप तमाम तर दोस्तों की खिदमत में लाइव हाजिर हैं। तो पहले दोस्तों, आज हम इस वक्त मौजूद हैं ब्रीडिंग सेटअप जनाब उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ साहब उनकी छत पर। तो यहाँ पर पहले दोस्तों, हमारे जो सीनियर सादा कराम प्यारे दोस्त और भाई, बड़े भाई जो हैं मौजूद हैं, ये मोहम्मद अलियास अंसारी साहब, साहबजादा उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ साहब, मोहम्मद मास्टर मोहम्मद अरशाद साहब, मोहम्मद इशफाक साहब, और ये मोहम्मद फैसल अंसारी साहब, उस्ताद राशिद पोमन साहब, उस्ताद मुश्ताक उर्फ भोला साहब, उस्ताद यूनस पहलवान साहब, मोहम्मद उमर मुश्ताक साहब, मोहम्मद फैजान साहब। पर दोस्तों, आज इस लाइव वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको हम जनाब उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ साहब वाले मेन ब्रीडर जो कबूतर हैं इंशाल्लाह उनका शौक करवाएंगे। सबसे पहले आपको सेटअप दिखाते हैं, ये लाला जी का वही पुराना सेटअप है ये, माशाल्लाह जी। सर सर और वीडियो जरा देखे, जरा ठीक है। हाँ जी, बोल दो जी। पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, आज मौजूद हैं हमारे शहर कसूर के सीनियर उस्ताद बुजुर्ग उस्ताद अल्लाह पाक करवट उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ साहब। पहले दोस्तों, इस घराने को सिर्फ ये शर्फ हासिल है कि हमारे शहर कसूर में, और ये घराना हमारे शहर कसूर के लिए बायस फ़ख्र है, जिन्होंने चेतर 2014 में पंजाब चैंपियन का जो टाइटल है वो शहर कसूर में लाया, और सिर्फ इसी छत को शर्फ हासिल है कि इस छत ने माशाल्लाह पंजाब चैंपियन का जो टाइटल है वो अपने नाम किया। तो आज इंशाल्लाह इस लाइव सेगमेंट में आप सब दोस्तों को हम इनके मेन ब्रीडर कबूतरों का शौक करवाएंगे। ये सेटअप उस्ताद लाला यूसुफ साहब का है इंशाल्लाह। अब जो इसकी देख है, परिंदों की देखभाल है, उनके साहबजादे जनाब मास्टर मोहम्मद शाह साहब और मोहम्मद इशफाक अंसारी साहब ये संभालते हैं। तो इंशाल्लाह मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले आपकी कुछ गुफ्तगू करवाते हैं जनाब। यहाँ पर मौजूद हमारे सीनियर उस्ताद जनाब उस्ताद मुश्ताक उर्फ भोला साहब, जेड चैंपियन 2022 वनडे, जेड चैंपियन 2023, उनसे कुछ गुफ्तगु होती है। उनके साथ रिंग लीडर उस्ताद इम्तियाज हुसैन, चेयरमैन पार्टी जनाब उस्ताद यूनुस पहलवान साहब भी मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला, उनसे भी कुछ गुफ्तगु होती है। और जनाब उस्ताद राशिद पोमन साहब भी हमारे साथ यहाँ पर इसी छत पर मौजूद हैं। तो उन तीनों सादा कराम से कुछ गुफ्तगु होती है, उसके बाद शौक की तरफ बढ़ेंगे। कैमरे को रुख करेंगे सबसे पहले जनाब उस्ताद मुश्ताक उर्फ भोला साहब। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। हाँ जी साहब, क्या चल, ठीक हो, सब खैरियत है? साहब मतलब माशाल्लाह, सिर्फ साढ़ा घराना है कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब चैंपियन का टाइटल शहर कसूर के लैके आए, कि अल्लाह ताला के करम के नाल, अल्लाह ताला की मदद के नाल 2014 च पंजाब चैंपियन का टाइटल साढ़े को आया। तो साहब मतलब साड़ी इस जित विच किहड़े कबूतरां दा किरदार है? जी जी उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब वाले कबूतर। जी जी माशाल्लाह। जी जी उस्ताद जी, उन्होंने चो ताड़ी फेवरेट ब्लड लाइन केड़ी है, जो ताड़े दिल दे बड़े करीब ने कबूतर? डब वाले कबूतर। उस्ताद जी, डब वाले भी मुख्तलिफ किस्म के लोगों को देखने मिलते हैं। कुछ कबूतर होंगे लाल अखा वाले कबूतर ने, कुछ बिल्कुल प्याजी अखा के कबूतर ने। तो अपने परिंदे किस टाइप के कबूतर जो बड़े करीब ने? प्याजी गुलाबी अखा, गुलाबी सर रहे। जी जी सही। जी 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 मतलब एक छोटा जहा सवाल करांगा कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी थी सानू कि 2022 भी जेड चैंपियन, 2023 बच भी अलहमदुल्ला वनडे चैंपियन, और तमाम कपां च अलहमदुल्ला नुमाया पोजीशन। फिर अल्लाह ताला ने इज्जत दी कि अलहमदुल्ला तमाम घरों को वन टू वन मुकाबले भी जीते।
एक छात्र को चैंपियन बनने वास्ते की केड़ा काम करना जरूरी है, की चीज होनी जरूरी है? मेहनत बात करो जी जी, परिंदे अच्छे होना जी, नमाज पढ़ो ते अल्लाह नु याद करो जी, बेहतरीन माशाल्लाह। अल्लाह जी पाक लौंदा बेशक बेशक साद मोहतरम। आज भी गुफ्तगु का आगाज करेंगे हमारे बड़े प्यारे भाई जेट चैंपियन जनाब, जेट चैंपियन उस्ताद राशिद पोमन साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। साद मोहतरम क्या हाल चाल है, ठीक हो, सब खैरियत है? मैं सब तो पहले तुम्हें सवाल करा, जो दिल के बिल्कुल करीब परिंदे ने कहे परिंदे ने साहब जी? डबल है कबूतर, डबल है। साधे मतलब अपने को किन्ने अरसे तो चले आ रहे परिंदे? काफी पुराने लगे अंदाजन के इस अरसे मेरे तो काफी चिर पहला दे करीबन लगे आ रहे, लाला जी दे दौर दे लगे आ रहे, लाला जी दे। लेकिन ये पुराने कबूतर ने उड़दे पे ने, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਛਾਤੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਕਰਸਾ ਦਰਾਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਾਂਜੀ ਉੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਛਾਤ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਖੇਲ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਲੀਆਂ ਚੱਜਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਾਥ ਦੀ ਬਦਲ ਇਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋ ਸੀਜ਼ਨ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਾਹ ਤੱਕ ਪਰ ਪਟਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਦਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਦਾਣੇ ਦਾ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਉਹ ਹੀ ਬਸ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਦਰ ਬਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਸਾਥ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰ ਪਟਾਈ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਰਿੰਦੇ ਰੋਗ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਭੋਰੇ ਪਾਓ, ਬਾਜਰਾ ਚੜੇ ਮਕਈ ਸ਼ਹੀ ਇਸਰਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਗਰ ਪਰਿੰਦੇ ਪਰ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਾਬਾਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਆਥੇ ਟਿਕਣਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਜੀ ਪਰਦੋ ਸਾਹਿਬ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਉਸ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਉਸਤਾਦ ਅਮਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਰਟੀ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਯੂਨਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ, ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਤਰਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਟਾਈਆਂ ਦਿਨ ਆਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਦਾਣਾ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਾਣਾ ਜੀ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਜਰਾ ਜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਚਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਾਣੇ ਸੁਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀਆ ਸਰੋਂ ਮੋਠ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁਬਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ, ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਭੋਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੇ। ਅਬ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਰਫ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਗੁਰਪਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ, ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਤਿਆੜੀ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਨੇ, ਤਿਆੜੀ ਗੋਲਡਨ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਸਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਆਪਣਾ ਮਸਤਾਦ ਭੋਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਮਸਤਾਦ ਗੁਰ ਭੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲਾ ਮੁਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਟੈੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੋਲਡਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਮਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ, ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਭਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸਟਰੀਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲਾਈ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਪਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ? ਵੀ ਦਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਪਲਣਗੇ। ਠੀਕ, ਅੱਛੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਫਾਕ ਬਈ, ਅੱਛੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲਾਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿੰਦੀ? ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਚਨੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਮਕਈ ਆ, ਸਰੋਂ ਆ, ਤੋਰੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਬਾਜਰਾ ਆ, ਗੰਦਮ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪ ਬੜਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਆਸ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਸ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ?
ये भी माशाल्लाह उस्ताद आलम मोमी जी सबके साथ जाते हैं माशाल्लाह, इनका भी एक बेहतरीन ब्रीडिंग सेटअप है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्दी इंशाल्लाह इनके सेटअप पे बनाएंगे हम इंशाल्लाह। अब बढ़ते हैं जी हमारे बड़े प्यारे भाई मेरा भतीजा माशाल्लाह मोहम्मद उमर अंसारी साहब ज़्यादा उस्ताद मुश्ताक उरपोला साहब जी। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। उमर भाई कैसे हैं? ठीक है सब खैरियत? ठीक है सब खैरियत है जी अल्लाह हर। उमर भाई माशाल्लाह एक हूँ तुसी भी अल्लाह का शुक्र है कि ब्रीडिंग से मुकम्मल इंटरेस्ट लै रहे हो, कबूतर भाई से मुकम्मल इंटरेस्ट लै रहे हो। तो उमर भाई तुसी की फील किया परिंदे च आके, कैसा शौक है? आन शौक आन तो बाद ही फिर पता लगता है कि अच्छा शौक है। पहले पहले तो नहीं अच्छा समझ जमे पहले थी मतलब कि बड़े लोग नहीं सही समझते जी जी ठीक है ना। तो लेकिन हुण जमे जमे जिस तरह का दौर आ रहा ना जी उनके विच बेहतर है ही कि शो कर लिता जाए करना चाहिए जिस, जिस तरह के बाहर के हालात ने हाँ जी ठीक है ना, माहौल काफ़ी ज़्यादा ना चेंज हो गया है जी ठीक है ना। तो उमर भाई माशाल्लाह ब्रीडिंग सेटअप मुकम्मल संभालते पे हो, बच्चे की पिलाई शिलाई माशाल्लाह बहुत अच्छी करवा रहे हो। तो देखने वाले शायकीन थोड़ी बहुत टिप दवो कि किस तरह ब्रीडिंग सेटअप अच्छे बच्चे पलवाए जा सकते हैं या कि ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए जिंद वजह कबूतर डिस्टर्ब होंगे। दो तीन चीज़ें ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ा नहीं मतलब कि ज़्यादा टफ चीज़ नहीं कह सकते हाँ जी। है कि दाना अच्छा होना चाहिए बिल्कुल ठीक है ना, उस तो बाद प्रोपर इनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए कि सू पता लगना चाहिए कि मेरा जानवर किस टाइम किस चीज़ की जरूरत है ठीक है ना। विटामिन वगैरह हो गए अगर कोई बीमार फौरन उनका इलाज किया जाए ठीक है ना। यह दो तीन चीज़ें बाकी दाना टाइमिंग डालो ठीक है ना, मौसम के लिहाज चेंज करो जी, मेडिसिन तो लाभ नहीं हुई मेडिसिन। उमर भाई मेडिसिन कि ऐसी होनी चाहिए जी जैसे कि अजकल जो मौसम चल रहा है मौसम तब्दीली वाले पास रात ठंडिया हो गया दिन टाइम सूर्य निकल रहा है अजकल एहतियाती तौर पर दो साल बाद कि ऐसी मेडिसिन यूज कर लवन जिंदा परिंदे बचे रहेंगे? इस मौसम ज़्यादा तो जमें मौसम चेंज होता है भावे सर्दी तो गर्मी या गर्मी तो सर्दी इन्होंने ज़्यादातर ना बुखार होंगे जिंदा खराब होंगे जी बिल्कुल दो प्रॉब्लम। तो जमें तुम भी दस दिए कि फ्लैजल के सैक्टर हो बेस्ट है इन वास्ते ठीक है ना। इनके नाल ना ड्रोपिंग भी मतलब कि अगर किसी की लूज है पीठ है लूज है तो वह भी बेहतर हो जाती सैप्टोन से फ्लैजल की वजह तो अच्छा कंबीनेशन है। अगर कोई बुखार फील करता पे तो नाल ब्रूफोन भी ऐड कर सकते बिल्कुल सही हाँ। और भाई दोस्तों डोज भी दसो इन कि फ्लैजल सैप्टोन की डोज भी रखनी पानी में अगर तो बहुत ज़्यादा सीवियर केस है ना तो एक लीटर जो दो सी सी इस्तेमाल कर सकते अगर तुम हिफाजती डालना ना जी जी तो इन्ना कोई मसला नहीं है तो एक लीटर एक सी सी मेरा ख्याल बेस्ट है बेस्ट है बिल्कुल हाँ। एक सी सी फ्लैजल एक सी सैप्रोन हाँ यस जी बिल्कुल ठीक। उमर भाई और कोई टिप दोस्तों का शेयर करना चाहो ताकि जिन्हें दोस्त देखने वाले दोस्तों भाइयों का फायदा हो सके? महीने च मेरे मुताबिक कम अज कम एक दफा ना तीन दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स लाजमी करवाना चाहिए। एंटीबायोटिक कोई भी चीज ले सकते हाँ जी जमें हम सर्दी है ना तो सर्दियों में ज्यादा एंटीबायोटिक है जमें कोफी है चिकन हो गया सालमोनेला हो गया है ज्यादा चीज़ें अफेक्ट कर दी हैं ज्यादा यही चीज़ें होंगी हैं तो गर्मियों के लिहाज ना बेस्ट दस सकते जी जी बिल्कुल नहीं हाँ। मौजूदा मौसम के हिसाब से चलते रहे तो बेहतर है कोई इंशाल्लाह दोस्तों लाइव मुलाकात होती रहेगी फिर इंशाल्लाह गर्मी जी दसा ये जी इनके साथ ही तशरीफ फरमाए हमारे बड़े मेरा भी ये भी भतीजा माशाल्लाह बड़ा प्यारा भाई जनाब मोहम्मद फिजान अंसारी। अस्सलाम वालेकुम फिजान भाई क्या हाल है? ठीक हो सब खैरियत है? ये भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा सेटअप है इसके पास इनके पास भी माशाल्लाह तमाम दर कबूतर जो वो साहब मुश्ताक और भोला साहब वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सब दोस्तों को इनके भी ब्रीडिंग सेटअप का शौक करवाएंगे इंशाल्लाह। अब बढ़ते हैं जी शौक की तरफ तो गुजारिश करूँगा मोहम्मद अशाद साहब से कि वो आए और हमें अपने मेन ब्रीडर कबूतरों का शौक करवाएं। तो जी जितने भी दोस्त इस वक्त हमारे साथ लाइव है मेरी गुजारिश उनसे कि वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि ये आज का बेहतरीन शौक पुराने कबूतर ये तमाम तो दोस्तों के तक पहुंच सके इंशाल्लाह। और इस वीडियो में काफ़ी सीखने को मिलेगा जी सर जी डबल है कबूतर सर थोड़ा इधर रोशनी ये सबसे पहले डबल है एक मेल आया
आपसे दोस्तों को शो करवाते हैं इसका, उम्मीद है आपके बहुत पसंद आएगा आपसे दोस्तों को। ये जी डब वाले मेन ब्रीडर कबूतर का आइस ग्लो सब आप सब दोस्तों के सामने। अब बढ़ते हैं इसकी परों की तरफ। सबसे पहले कलर नोट करें, एंटीक और शानदार कलर है माशाल्लाह जी। और ये परों का अंदाज माशाल्लाह। माशाल्लाह 58 और बैक परियों दुम के नीचे परों की स्पोर्ट देखे माशाल्लाह बहुत शानदार। ये जी मुकम्मल कबूतर का कलर और बनता है। और बिल्कुल लाइट वेट कबूतर है, बहुत आला कबूतर जी माशाल्लाह। ये दूसरा आ गया टेडी नर। बढ़ते हैं इसके आइस क्लोजअप की तरफ। हाँ जी हाँ जी, ये जी माशाल्लाह डब दूसरा डब वाला नर आ गया माशाल्लाह। ये जी डब वाले कबूतर हैं जनाब उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ साहब वाले और उस्ताद मुश्ताक और भोला साहब वाले। बढ़ते हैं इसके परों की तरफ। ये देखे बाहर के तीन पर नोट करें इस परिंदे के। उस्ताद मियां मेहर साहब भी हमारे साथ हैं। उस्ताद मोहतरम कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत? क्या बात है माशाल्लाह जी। ये जी जनाब उस्ताद मुशागुर भोला साहब वाला डब वाला मेन ब्रीडर कबूतर है, बहुत आला जी माशाल्लाह। अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट परिंदे की तरह। ये तीसरा परिंदा आया तो कभी आपको शौक करवाते हैं। मेरा बड़े मोस्ट फेवरेट कबूतर है ये, उम्मीद है कि आप तमाम तर दोस्तों को भी बड़ा पसंद आएगा। अब बढ़ते हैं इसके परों की तरफ। दोस्तों मेरा तो फेवरेट कबूतर, आप सब दोस्तों ने भी बताना कि आपको कैसा लगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। बर्ड किंग वालेकुम अस्सलाम, वकार खान साहब, खलील अहमद साहब, क्या बात है जी माशाल्लाह शानदार। ये पर देखें दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही आला जी, क्या बात है। ये जी 80 नंबर कबूतर, ये देखें ये जी नेक्स्ट परिंदा आ गया डब वाला, इसका आपको शौक करवाते हैं, क्या बात है। जी यासर गुजर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएंगे आप कैसे हैं? क्या बात है जी शानदार माशाल्लाह जी, बहुत ही आला। ये हैं जी प्यारे दोस्तों लाला जी वाले और साहब मुश्ताक और भोला साहब वाले डब वाले कबूतर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लड लाइन की तरफ। टैडी सर, टैडी ना सर, ये इसका आइस क्लोजअप देखें। माशाल्लाह जी
जी दोस्त खान सब कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत। माशाल्लाह, वो तो पूरा कवर करो सारा। सर जी, उस आदमी उमैर साहब बहुत शुक्रिया, दाऊद खान साहब, उस आदमी उमैर साहब, यासर गुज्जर साहब और जितने भी दोस्त हमें इस वक्त देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर लाजमी कर दें ताकि ये बेहतरीन शौक और पुराने कबूतर ये तमाम दोस्तों तक पहुंच सके। माशाल्लाह, अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट परिंदे की तरफ। सर जी, यह कह डबल है। ये नया जवान पट्ठा ही है दोस्तों। माशाल्लाह, लें दोस्तों। बेमिसाल जी, सर पूरा कवर हो रहा ना। बिल्कुल एक पता दुम और बेहतरीन बैलेंस, अभी बिल्कुल जवान पट्ठा ही है ये, बहुत अलग। ये जी डबल फीमेल आई है, इसका आपको शौक करवाते हैं, उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। ये जी पहले दोस्तों, सबसे पहले आइज क्लोज अप, उरला नीचे रखो थोड़ा, माशाल्लाह जी बैलेंस देखे माशाल्लाह। ये जी लाला जी इस तरह निशानियां डालते थे, ये देखें, ये अंदाज था उनका कबूतरों को निशानी लगाने का। या फोकस थोड़ा जूम कर लो ताकि नजर आइए, ठीक है। ये अंदाज था उनका कबूतरों को या बच्चों को निशानी लगाने का। माशाल्लाह जी, एक ओड्डा वाली फीमेल आई है, ये जी फीमेल का पल्ला है, परों का अंदाज तीली और तीली के साथ जो फीदर, इनका आपस में कम्बिनेशन देखे बेमिसाल है जी, शानदार पा रहे हैं ये इस फीमेल के। तकरीबन जितने भी परिंदे आए हैं इसी पल्ले, इसी तीली और इसी फीदर के ही आए हैं, किसी परिंदे की तीली जो वेटेबल या चौड़ी पीछ तीली आपको नज़र नहीं आई। माशाल्लाह, जी अब बढ़ते हैं टैडी परिंदों की तरफ मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले ये टैडी कबूतर आया। सर जी, ये टैडी कौन सा टैडी कबूतर है? यानी कि जिस तरह लाला जी के मशहूर कोने वाले सी, जौन सिरे सी, या नाम कोई इनाला खालस के, सिर्फ टैडी चल रहा है लाला जी वाले पुराने टैडी कबूतर। इतना ज़्यादा जूम सर वक्त नज़र नहीं आ रही, बढ़ते हैं परों की तरफ इसके। ये जी माशाल्लाह, ये पुराना टैडी कबूतर, ये सादे मतलब मैं बता रहे, इसकी उम्र तकरीबन 13-14 साल से भी ज़्यादा। देखे इसकी आंख, ये जरा दूसरी आंख से करता हूँ आपसे दोस्तों को।
माशाल्लाह बढ़ते हैं परों की तरफ इसके। ये देखें जी पहले दोस्त, ये जी माशाल्लाह परिंदा है, ये जनाब उस्ताद मुश्ताक और भोला साहब की तरफ से यहाँ पर आया हुआ है इनके शगिर्द और इनके छोटे भाई के सेटअप पर। आंखों की ब्राइटनेस, आंखों की चमक और बिल्कुल ब्लैक नोक, बहुत आला जी माशाल्लाह। साहब जी नवा जवान पठाइए ना ले, हाँ जी बिल्कुल यंग पठाइए अभी, और परों का अंदाज देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह जी कलर नोट करें पर उसे ओरिजिनल सलारा कलर है, बहुत प्यारा कलर, खूबसूरत के साथ साथ शानदार परफॉर्मेंस वाले परिंदे भी माशाल्लाह जी। ये दोस्तों क्या बात है माशाल्लाह जी। साजी लाला जी वाला, ये जी लाला जी वाला सलारा डैडी कबूतर है, पुराना कबूतर है। बस बस इतना दूंगी, क्या बात, बढ़ते हैं परों की तरफ इसके। बाहर के तीन पर नोट करें, तीनों बराबर, बहुत आला कुंदा इस परिंदे का माशाल्लाह जी। बढ़ते पंजों की तरफ, ये मुकम्मल बनता है, बेहतरीन साइज माशाल्लाह जी, क्या बात। क्या बात है जी, इसका पला देखें मजा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला इस परिंदे का माशाल्लाह जी, एक से एक बढ़ के परिंदे आ रहे हैं, क्या बात है जी। देखिए जी माशाल्लाह घराना ही ऐसा है, परिंदे एक से बढ़ के एक ही आएंगे इंशाल्लाह। बहुत आला जी, क्या बात, में इसके जरा दोबारा ये शेर दिखाएंगे इसकी सारी, ये देखिए माशाल्लाह दोस्तों, क्या बात है जी माशाल्लाह। उस्ताद मलिक असद साहब कैसे हैं जी, मलिक आदिल रावलपिंडी से कैसे हैं भाई, बिस्मिल्लाह। क्या बात है जी माशाल्लाह, अरे दोस्तों मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला परिंदा देख के आप सब दोस्तों को। बढ़ते हैं परों की तरफ इसके, अच्छा साहब कोई लाल खाने भाव, एक दो लाल खाने साजी एक दो भाव, जी जी माशाल्लाह। ये देखें जी इसको भी इसी तरह निशानी लाला जी के हाथ की, ये चार रेड कलर के मोती हैं, बहुत आला क्या बात है जी माशाल्लाह। ये जी रेड इज फर्स्ट परिंदा है, ये जनाब उस्ताद मुश्ताक भोला साहब की तरफ से आया हुआ परिंदा,
माशाल्लाह। ये जनाब साहब मुशाक भोला साहब की तरफ से आया हुआ है, नया जवान पट्ठा ही है, बड़ी एज का कबूतर नहीं है, बहुत आला जी माशाल्लाह। पर परों का अंदाज, तीली और तमाम तर परिंदों के पंजे आपने नोट किए हैं, बिल्कुल खुशक पंजे हैं और लाइट कलर में पंजा एक भी नहीं आया। ये जी नेक्स्ट रेड परिंदा आया दोस्तों, आपको शौक करवाते हैं इसका। जनाब सैफुल्ला खान साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त, और कौन कौन है दोस्त जी, उस्ताद मलिक असद साहब, माशाल्लाह। बहुत आला ये देखें, कलर देखें, एंटीक कलर है माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह पुराना कबूतर है, शौक करें इसकी आंख का। पर दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को शेयर लाजमी कर दें, आपका लाइक कमेंट्स और शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होती है, और ये हमारा काफी शोर हो, ये शौक ज्यादा दोस्तों तक पहुंच जाता है। क्या बात है जी माशाल्लाह, ये देखें जी, एक एज में होगा कबूतर लेकिन उसका बैलेंस देखें, ये परियों की स्पोर्ट देखें, क्या बात है माशाल्लाह जी। ये जी एक और रेड परिंदा आया, माशाल्लाह। बढ़ते हैं इसके परों की तरफ, क्या बात, एक और से गोल्डन ये दोस्तों देखें परिंदा, ये भी जनाब उस्ताद मुश्ताक और भोला साहब की तरफ से आया हुआ परिंदा, जरा धूप में कर लो थोड़ा सा। ये देखें जी आंख इसका, आईज क्लोजअप है, देखे माशाल्लाह पंजों का कलर और ये पोर्स जो है वो आपस में कितने करीब हैं, बहुत आला जी। ये मुकम्मल कलर नोट करें, बहुत ही शानदार कबूतर है माशाल्लाह। ये जनाब उस्ताद मुश्ताक और भोला साहब की तरफ से आया भाई सेटअप पर, तद मतलब केड़ी ब्रेड लाइन चो कबूतर है, लाला जी कबूतर, ठीक माशाल्लाह। ये भी जी पुराना रेड एज कबूतर है लाला जी वाला, माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये देखें जी इसको भी उसी तरह लाला जी के हाथ की निशानी है, इस परिंदे को भी माशाल्लाह, क्या बात है। ये जी माशाल्लाह सारम, ये पहले दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये परिंदे बहुत पसंद आए होंगे, परिंदे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लाज में है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में आप तमाम दोस्तों के दोनों में लाइव हाजिर होंगे इंशाल्लाह, तब आपको मजीद शो करवाएंगे
मैं गुजारिश करूंगा कि आपको अंदर से सेटअप एक बार दिखा दे, परिंदों के चलते फिरते अंदाज आप देख सकें। सर हमें दिखाएं अंदर से परिंदे, चलते फिरते परिंदे दिखाएं और सेटअप दिखाएं। माशाल्लाह किस मोहब्बत किस खूबसूरती से ये बनाएगा सेटअप। माशाल्लाह जी ये देखिए पर दोस्तों माशाल्लाह किस नफासत किस खूबसूरती से परिंदे रखे गए हैं। माशाल्लाह तो जितनी खूबसूरती से रखे गए हैं उतने शानदार ये परिंदे भी हैं माशाल्लाह। हाँ जी दोस्तों एक लास्ट फीमेल का आपको शौक करवाते हैं, मेरे दिल के बहुत ही करीब है ये फीमेल इस मुकम्मल सेटअप पे। तो ये शौक करें आप सब दोस्त, उम्मीद है कि आपको भी फीमेल बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये आइस क्लोजअप है इस फीमेल का माशाल्लाह। क्या बात है जी माशाल्लाह। अब बढ़ते हैं इसके परों की तरफ। मेरी तो बहुत ही फेवरेट फीमेल है। आप सब दोस्तों लाजमी कमेंट्स में राय से आगाह कीजिएगा आपको कैसी लगी है। माशाल्लाह जी बहुत ही आला फीमेल माशाल्लाह जी। ये माशाल्लाह अभी जवान पट्टी है, ये भी जनाब उस्ताद मुश्ताक भोला साहब की तरफ से आई हुई है पट्टी। ये देखे बनतर इस फीमेल की माशाल्लाह। इनकी माँ, इसकी माँ जो है वो जनाब उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब, उनकी तरफ से जनाब उस्ताद मुशाक भोला साहब को मिली हुई है। क्या बात है जी जी। माशाल्लाह बहुत आला जी। ले सर हम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो और आज के हमारा खूबसूरत बेहतरीन सेटअप और बेमिसाल कबूतर आपका हम तमाम दोस्तों को बहुत पसंद आए होंगे। इसी के साथ अपने दोस्त अपने होस्ट राशिद मोहम्मद साहब की फरमाइश पर ये बेहतरीन कबूतर का आपको शो करवाने लगे हैं और अपनी कमेंट्स में आपने इसका लाजमी हमें बताना है कि आपको कैसा लगा परिंदा। ये जी सबसे पहले स्काइज क्लोजअप, ये जनाब उस्ताद मुश्ताक और भोला साहब का होम ब्रीडर कबूतर है। सादा मोहतरम कहना परिंदा है टैडी कबूतर जी जी सही भाई। ये लाला जी वाले पुराने टैडी कबूतरों में से कबूतर है। ले जी बढ़ते हैं इसके परों की तरफ। वाकई जी उस्ताद मोहतरम उस्ताद राशिद साहब क्या बात है, बेमिसाल कबूतर है जी। क्या बात अच्छा ठीक हो गया। ले जी वीडियो थोड़ी लेंथी होगी। अब जो यहाँ पर मौजूद सेटअप जो जनाब जनाब मोहम्मद इशफाक अंसारी साहब लाला जी के साथ साथ है सादी नहीं ले शौक में ले ए बड़े क्या बात है जी। ले सर उसका पल्ला दोबारा देखो यार क्या बात। ऐ किधर छेड़ना है किधर दे कपड़ा पे ऐसे ले लो साजी। ये जी इशफाक भाई के बजंद वर्णों का आपको शौक करवाते हैं, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा आप सब दोस्तों का। इशफाक भाई के पास भी उस्ताद मुश्ताक और भोला साहब वाले और उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ वाले परिंदे हैं।
जी है जी प्यारे दोस्तों। आंख का साइज क्या बात है जी, माशाल्लाह बहुत ही अल्लाह जी। बल्कि इसके परों की तरफ शुहाग भाई किधर गया? शुहाग भाई वही इंदा भरा है मेरे को, है ना? बिल्कुल उनकी फोटो कापी है, माशाल्लाह जी। ये देखे परों का अंदाज जी, क्या बात है माशाल्लाह। ये देखें शानदार कलर माशाल्लाह, बहुत आला। लो साहब जी सलाना डैडी साहब जी, ये भी जनाब उस्ताद मुशाक बोला साहब वाला परिंदा, ये माशाल्लाह लाल तूफान कबूतर है, क्या बात। ये कलर के पर नोट करें, बहुत अलग है। सदर मतलब लाल तूफान है ना कबूतर, माशाल्लाह बहुत अलग कबूतर। ये जी टैडी कबूतर आ गया एक और, ये लाला जी वाले पुराने कबूतर है मेरे दोस्तों, और अपनी मिसाल आप कबूतर हैं ये तमाम तर। मेरा दिल साहब क्या हाल है, ठीक है? जरा शौक करें इस परिंदे का और बताइए कि इस परिंदे के बारे में आप। माशाल्लाह जी सादे मोहतरम, इसमें अभी साजी लाल तूफान लाल परी, हाँ जी लाल। नहीं दोस्तों लाल परी परिंदा आया, ये मोहम्मद इशफाक भाई वाले कबूतरों का आपको शो करवा रहे हैं। इनके पास भी तमाम तर परिंदे जनाब उस्ताद मुशाक भोला साहब वाले और उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ साहब वाले हैं। बेमिसाल कलर जी, अंटीक पल्ला अंटीक कलर और शानदार पर माशाल्लाह, बहुत ही आला, क्या बात। गुस्सा ना करो, क्या बात डबल। ये जी डबल परिंदा आ गया माशाल्लाह, शौक करें इसका। देखें आंखों में क्रिस्टल है माशाल्लाह, कैसी चमक, और आंख का साइज देखें, आंख का डायल काले नूर के साथ रिंग और आउटर रिंग के साथ जो जर्रा देखें, जी शहजादा कसूरी साहब बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह वाकई जी बेमिसाल परिंदे डब वाले, बहुत आए सादे मोहतरम। साजी है केड़ा कभी लाल परी, माशाल्लाह देखें दोस्तों पर पे पर इसे कहते हैं, क्या बात। ये जी शौक करें दोस्तों माशाल्लाह, क्या बात है जी। डबल और टेडी क्रॉस में निकला हुआ परिंदा और ओरिजिनल लाल परी परिंदा ये लाइन साधे मतलब कर्माले। ये जी उस्ताद मुशाक भोला साहब के कर्मा वाले परिंदे बेसिक ब्लड लाइन डब वाले ही हैं, तो कर्मा वाले के नाम से मशहूर हैं। ये भी जनाब उस्ताद मुशाक भोला साहब की तरफ से आया हुआ है इस सेटअप पर।
माशाल्लाह। देखें दोस्तों माशाल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। सर जी खड़े हो दो सारे दोस्त आज बाजू अरे सर साहब आओ सर जी इधर आओ सर साथ में करिए सर अक्षर सर जी आओ पहले तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी लाइव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का आगाज राय से जरूर आगाज कीजिएगा हम सब दोस्तों को। तो पहले तो इसी के साथ अपने दोस्त अपने होस्ट वकार अंसारी को दें इस बेहतरीन और शानदार सेटअप से इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।